अस्सलाम वालेकुम। भुट्टो साहब को अयूब खान साहब ने मुतारफ़ करवाया और ज़िया के मार्शल्ला के दौरान उनको फांसी हो गई। ज़िया ने नवाज शरीफ को मुतारफ़ करवाया और मुशर्रफ ने आके निकाल दिया, गद्दारी के पर्चे कर दिए। इमरान खान को जो लाए थे उन्होंने ही निकाल दिया। यहाँ पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन उससे पहले बुनियादी सवाल ये कभी किसी ने नहीं सोचा या पूछा इनके हमायतियों ने कि इनका इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया। यानी भुट्टो साहब का इंतखाब क्यों किया गया जबकि करोड़ों आवाम और भी थी। नवाज शरीफ का इंतखाब जनरल ज़िया ने क्यों किया, और भी करोड़ों लोग थे इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा सियाने। इमरान खान करोड़ों लोग इससे ज़्यादा समझदार, बाशऊर और सियाने मौजूद थे। इमरान का इंतखाब क्यों किया गया, बुनियादी सवाल ये है। ये नहीं है कि ये किस क्यों निकाले गए, उस बुनियादी सवाल पहला सवाल ये है कि ये लाए क्यों गए। ये सबसे अहम नुक्ता है जिस पे कभी किसी जमहूरियत पसंद ने बात करना पसंद नहीं की, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत पसंद, मैं जमहूरियत पसंदों से चिढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये शख्सियत परस्त हैं। ये बादशाह जैसी जमहूरियत को लेकर चल रहे हैं। अगर इस तरह की जमहूरियत के तसलसल से बेहतरी की उम्मीद है तो फिर बादशाहत भी बेहतर हो सकती है, वो निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। और दूसरा ये है कि ये जो शख्सियत परस्ती है जो ख़ास तौर पे इमरान खान की शक्ल में आपके सामने है अभी, या भुट्टो की शक्ल में थी, ये भी आपका शौरी इर्तका नहीं होने देती। तो ये सवाल के इनको लाया क्यों गया, इस पर कभी कोई डिबेट नहीं हुई। हमेशा ये बात की जाती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई जाए, सारी बुराइयों की जड़ ये है। फौजी जर्नैलों को तनकीद की जाती है, जायज़ तनकीद की जाती है, लेकिन आधा सच है ना इस्टेब्लिशमेंट, और फिर आधा सच भी मुनाफ़कत पर मबनी है। यानी क्या इस वक्त पाकिस्तान की तीन बड़ी जमातों में से कोई एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है? नहीं। लेकिन इन्होंने हमेशा वोट इसी नारे के तहत लिया, वोट को इज्जत दो, एमआरडी की तहरीक और उसके बाद एक तसलसल ज़ाहिर है जिसमें एमआरडी के मकासद जो थे वो इससे ज़्यादा गहरे थे, लेकिन नज़रिया कहाँ है? कोई नज़रिया आपको लगता है कि इसमें कोई नज़रिया कारफरमा है आज की सियासत में या इससे पहले? नज़रिया ये था कि ज़िया से जान छुड़ा दो, ज़िया को हमेशा के लिए वो मान लिया गया कि ये चला जाएगा तो बेहतरी आ जाएगी। इदारों की बात तब की जाती है, इदारे पे तनकीद तब की जाती है जब हुकूमत से निकाल दिया जाता है, और जब वही इदारा आपको वापस बुला लेता है तो फिर आप कहते हैं इदारे पे तनकीद ना करें, ये शख्सियात का मामला है, ये शख्सियात का कसूर है। ये भी फिक्री मगालते हैं। अगर शख्सियात का कसूर हो तो एक तसलसल है याया से, अयूब से याया और ज़िया और मुशर्रफ और जाने कौन कौन से, तो ये शख्सियात की बात नहीं है। अब रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, कि इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं और उससे वोट भी लेते हैं और फिर उससे वज़ारत उज़्मा भी ले लेते हैं, वज़ारत खारजा भी ले लेते हैं, और बिना किसी मैंडेट के ले लेते हैं, बिना किसी इलेक्शन के ले लेते हैं, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जी फलां जो है वो लाडला है, फलां जो है सिलेक्टेड है। भाई आप भी सिलेक्ट हुए हैं, मुबारक हो आपको, आप भी वज़ीर ख़ारजा बने, सिलेक्ट होके बने, तो वो भी सिलेक्टेड है, तो आप तीनों चारों में से कोई भी
ऐसा नहीं है जो इलेक्टेड हो, आप सब सिलेक्टेड ही हैं और एक ही गेम प्लान का हिस्सा हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कोई प्लान ए है, कोई प्लान बी है, कोई सी है। तो जो आप सजेस्ट करते हैं वो आप तो खैर हैं ही नहीं, मुखलिस ही नहीं हैं इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने में। आपका तो जो एक ही गोल होता है वो इक्तदार होता है, असूल इक्तदार होता है, आपको मिल जाता है तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो लोग जो तरक्की पसंद हैं, जो इनकी खातिर लड़ते झगड़ते हैं हमसे और बहस मुबहसे करते हैं कि जी सियासतदानों को आप बुरा भला कहते हैं, उनको नहीं कहते, तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है कि आप नज़रिया ज़रूरत को एक तरह से इंडोर्स कर रहे होते हैं और हम नहीं करते। हम नज़रिया ज़रूरत की हर शक्ल, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल हो, चाहे वो इमरान खान की शक्ल हो, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल हो या इनके हवारियों की शक्ल हो, हम उसे हर सूरत, हर दो सूरत मुस्तरद करते हैं जी। हम ये समझते ही नहीं हैं कि ये लोग जो हैं हमारे हकीकी नुमाइंदे हैं या ये हकीकी जमहूरियत पसंद हैं, या इस मुल्क में जो लिबरल की बात करें तो वो भी लिबरल से भी इसीलिए छिड़ोती है कि वो लिबरल है नहीं। उसका जो लिबरलिज्म है वो सेलेक्टिव है और उसको आप कह सकते हैं कि वो शख्सियत परस्ती और मजहब बेदारी से आगे कुछ भी नहीं है। वो उसके अलावा कुछ भी नहीं है, या शख्सियत परस्ती है या मजहब बेदारी है या देसी लिबरलिज्म इसी तरह का है। उसमें कोई तीसरी चौथी हकीकत या असलियत नहीं है। तो बात जो मैं करनी चाह रहा हूँ शुरू से शुरू की है वो बुनियादी तौर पे ये है कि नज़रिया क्या हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने का। तो ये जो वोट इकट्ठे करने के लिए सियासी शोबदेबाजी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन्स की, नारेबाजी की, जर्नलों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हम इसे समझते हैं कि ये मुनाफ़त है। देखिए हम जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा सकें। ये भी यही कहते हैं कि जब इनको हुकूमत मिल जाती है तो ये इसी तरह के जवाब पेश करते हैं कि जी देखें इसके साथ आपको रहना सीखना होगा, जान नहीं छुड़ाई जा सकती। नहीं भाई, जान छुड़ाई जा सकती है, जान छुड़ाई जा सकती है अगर आपके पास कोई नज़रिया हो। बिलावल भुट्टो के पास कोई नज़रिया नहीं है इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने का, मियां नवाज शरीफ के पास कोई नज़रिया नहीं है, इमरान खान के पास कोई नज़रिया नहीं है इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने का। इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि आप शोबाजी मत करें, आप फौज की ऑपोजिशन मत बने, लेकिन आप हवारी भी ना बने। आप ताकत नहीं रखते लेकिन आप एक काम कर सकते हैं ना, आप लड़ नहीं सकते उनसे क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास बंदूक भी है, सब कुछ है, वसाइल हैं। वो चाहें तो किसी को लीडर बना दें दिनों में, पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके और पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के, जैसे आज इमरान को लीडर बनाया जा रहा है और नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है और किस तरह से उसको एक हुर्रियत पसंद साबित किया जा रहा है, तो और कैसे इन्हें हुकूमत दी गई। तो आपको वो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा एक सिंपल नज़रिया है और हमारा अपना है, जेन्युइन नज़रिया है, कोई रशिया मास्को से नहीं आया हुआ। मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी है तो उसका इकलौता हल एक है कि आप कौमी सियासी शऊर को उस लेवल पे ले जाएं कि लोग इस्टेब्लिशमेंट की हर चाल समझने लगें। उनके मुंतखब किए हुए, जो मैंने शुरू में बात की ना कि लाया कौन है, उस पे कोई गौर नहीं करता। तो जब ये लाते हैं लोगों को और फिर वो बाद में हीरो भी बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं, तो वो जब लाते हैं तो उसी वक्त
उनको मुस्तरद किया जाए, इतना शऊर हो कि लोग उनको हीरो तस्लीम ना करें, उनको ये याद हो कि उनको कौन लाया था, क्यों कर लाया था, और अब अगर वो किसी ज़ाती अनाम में या इक्तदार के नशे में रिबेलियन बन गए हैं तो वो कोई हुरियत पसंद या कोई चीगवेरे नहीं है, बल्कि उनकी ज़ाती रंजिशें हो सकती हैं और कोई उनकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ डीप स्टेट के साथ, जिनकी वजह से उनकी जानें भी जाती हैं। तो वो यकीनन आपकी खातिर जाने नहीं गई होती, आपकी खातिर गई होती या वो बाशऊर क्यादतें होती, तो इतने इतने बड़े ब्लंडर जो भुट्टो ने किए, इतने इतने बड़े ब्लंडर जो नवाज शरीफ ने किए, इमरान ने किए, ये ना करते ये लोग, जिससे कौम की तबाही फैल गई है, कौम बिल्कुल बर्बादी के धाने पे पहुंच गई है, और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो इनके हाथों इम्प्लीमेंट करवाई गई उनकी वजह से। भुट्टो साहब ने जो जो की कुछ किया उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर बाशऊर बंदा जानता है कि भुट्टो साहब ने क्या क्या गलत किया, मियां नवाज शरीफ ने क्या क्या गलत किया सभी को पता है, इमरान खान ने क्या क्या किया सबको पता है। ये जैसे मज़हब का इस्तेमाल सियासत में गलत है और उसे मुस्तरद कर देना चाहिए, इसी तरह इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन को भी मुस्तरद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने के काम आ रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कौमी सियासी शऊर के लिए काम करें, बढ़ावा दें और उसको उस लेवल पे पहुंचा दें कि हर इंडिविजुअल जो है वो इन सारी चीज़ों को समझने लगे और वो पहले दिन से बुनियाद से ही इनके इंतखाब को मुस्तरद करे और कहे कि जमहूर का इंतखाब होगा, लाएगी भी जमहूर, मुतारफ़ भी जमहूर कराएगी। आप, मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने अंदर से क़यादत लाएं, आपके मसाइल का हल उसी में है, और देर लग सकती है लेकिन जब शऊर आ जाएगा, कौमी सियासी शऊर बुलंद हो जाएगा, तो यकीन जाने इस्टेब्लिशमेंट की सारी ताकत ज़ीरो हो जाएगी। ये जो मर्जी करती रहे आपकी डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अवाम का शऊर इस नहज पे पहुंच जाएगा कि वो उनकी सारी चालें समझने लगेंगे, तो वो कोई ऐसी चाल आपके साथ, इस रियासत के साथ, इस रियासत के अवाम के साथ चल ही नहीं सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।